बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो हमने प्याज ऐड कर लिए हैं, प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज जो है हमारे वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसे ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मुझे डार्क कलर नहीं करना, मुझे लाइट कलर ही पसंद है। तो अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट भी है मैंने, तो मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त उसके अंदर भी पेस्ट ऐड किया था अदरक लहसुन का, और साथ में नमक ऐड किया था। जी तो हमने चिकन भी ऐड कर दिया है। अब इसको चिकन के ऊपर फिर इसके साथ भी फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर ही मैं दो से तीन टमाटर ऐड करूँगी जी। तो मैंने साथ में टमाटर भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिली जो है उसका काफ़ी सारा पेस्ट डालूंगी जी। तो ये देखिए सुर्ख मिर्च हरी मिर्चें जो है उनको मैंने पीस लिया, तो मैं इसके अंदर वो ऐड करूंगी। अब इसके अंदर हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हम करेंगे गरम मसाला, थोड़ी बस इतनी सी लाल मिर्च, देखिए सिर्फ इतनी सी, और साथ में इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे जी। तो इसको मैंने कर दिया है फ्राई। अब इसके अंदर जो है मैं पानी ऐड करूँगी, जो यखनी का मैंने बॉईल किया था इसका पानी। तो इसको बॉयल तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल्ड वाटर है, मतलब ये कि इसके अंदर यखनी बनी हुई लावा आई है जी। तो उबाला आ चुका है, अब इसके अंदर चावल ऐड करूँगा। जी तो चावल ऐड करके अब इसके ऊपर हम इसको ढक देंगे जी। तो ये देखें चावल जो है हमारे तकरीबन जो है वो तो रेडी हो चुके हैं। जी तो चावलों को हमने दम पे दे दिया है। अब दम जी तो राइस हो चुके रेडी है, उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, देखिए आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें डाल के तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सेहत सही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।